स्पाइन में अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया है तो सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है? नॉर्मली अगर किसी को स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस है तो हर किसी को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ऑलमोस्ट 95% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जिनको कि कोई किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उन्हीं को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या सिम्टम्स हैं या साइंस हैं जिस केस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है और उसमें हड्डियाँ गल रही हैं, दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ अगर गल रही हैं जिसकी वजह से स्पाइन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जैसे अगर नॉर्मली स्पाइन ऐसे सीधी होती है और अगर यहाँ पे टीबी हो गया जिसकी वजह से हड्डियाँ गल रही हैं, तो फिर धीरे धीरे पेशेंट का पोस्चर इस तरह का हो जाता है, कमर झुक जाती है, कूबड़ निकल आता है। तो अगर ये एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा है तब इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये एंगल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और हमें लगता है कि भले ट्यूबरक्लोसिस ठीक भी हो जाए दवाइयों से, लेकिन बाद में ये एंगल परेशान करेगा क्योंकि अंदर स्पाइन में नर्व्स दब रही हैं, तब भी हो सकता है आपका डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह दें। दूसरा इंडिकेशन है अगर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से नसों पर दबाव आ रहा है, जैसे कि अगर आपको हम मान लें स्पाइन में ट्यूबरक्लोसिस है और पैरों में सुन्नपन आ रहा है, भारीपन आ रहा है, या ताकत कम हो रही है, या पैरालिसिस के लक्षण हैं, तब आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी सिचुएशन है अगर स्पाइन में नर्व दबने की वजह से मोशन यूरिन का कंट्रोल जा रहा है तो भी आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट इंडिकेशन फॉर सर्जरी इज़ कि अगर स्पाइन में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इंस्टेबिलिटी हो रही हो। इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे अगर आपके MRI में दिख रहा हो कि आगे से भी हड्डियाँ गल रही हैं, पीछे का स्ट्रक्चर भी ख़राब हो रहा है और स्पाइन में आसपास कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं बचा है, तब भी हो सकता है आपका डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह दें। नेक्स्ट कंडीशन इज़ कि अगर आप TB की दवाई ले रहे हैं, लंबे टाइम तक ले रहे हैं लेकिन उसका उतना इफेक्ट नहीं आया, जैसे आपने 5 या 6 महीने तक TB की दवाई ली लेकिन फिर भी स्पाइन में आपका पेन बना हुआ है या उतना अच्छा बोनी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ जितना कि 6 महीने में हो जाना चाहिए, तब एक पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई अलग तरह का TB इन्फेक्शन है जिसको कि हम MDR TB कहते हैं। इसमें एक तो बायोप्सी हमें लेनी होती है, इसलिए भी हमें कभी कभी सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है, या दूसरा अगर 6 महीने के बाद भी TB की दवाइयों का असर नहीं है और इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तब भी हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह दे। तो नॉर्मली यही कुछ सिचुएशंस हैं जब हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके सिवा बाकी के केसेस में ऑलमोस्ट कभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू।